विल्वाष्टकम् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं विल्वपत्रं शिवार्पणम्। अर्थात तीन दल वाला सत्व रज एवं तम स्वरूप सूर्य चंद्र तथा अग्नि त्रिनेत्र स्वरूप तथा आयुध त्रय स्वरूप तथा तीनों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला विल्वपत्र मैं भगवान शिव के लिए समर्पित करती हूँ। त्रिशाखैर विल्वपत्रैश यच्छित्रै कोमलै शुभै शिव पूजाम करिष्यामि विल्वपत्रम शिवार्पणम्। अर्थात छिद्र रहित सुकोमल तीन पत्ते वाले मंगल प्रदान करने वाले विल्वपत्र से मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी। यह विल्वपत्र भगवान शिव को समर्पित करती हूँ। अखंड विल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्व पापेभ्यो विल्वपत्रम शिवार्पणम्। अर्थात अखंड विल्वपत्र से नंदिकेश्वर भगवान की पूजा करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। मैं विल्वपत्र भगवान शिव को समर्पित करती हूँ। शालग्राम शिला में काम विप्राणाम जातु अर्पयेत सोम यज्ञ महापुण्यम विल्वपत्रम शिवार्पणम्। अर्थात मेरे द्वारा किया गया भगवान शिव को यह विल्वपत्र का समर्पण कदाचित ब्राह्मणों को शालग्राम की शिला के समान तथा सोम यज्ञ के अनुष्ठान के समान ही महान पुण्यशाली हो। अतः मैं विल्वपत्र भगवान शिव को समर्पित करती हूँ। दंत कोटि सहस्राणी वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम विल्वपत्रम शिवार्पणम्। अर्थात मेरे द्वारा किया गया भगवान शिव को यह विल्वपत्र का समर्पण हजारों करोड़ गजदान सैकड़ों वाजपेय यज्ञ के अनुष्ठान तथा करोड़ों कन्याओं के महादान के समान हो। अतः मैं विल्वपत्र भगवान शिव को समर्पित करती हूँ। लक्ष्म्या हस्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम विल्वपत्रम प्रयक्षामि विल्वपत्रम शिवार्पणम्। अर्थात विष्णुप्रिया भगवती लक्ष्मी के वक्षस्थल से प्रादुर्भूत तथा महादेव जी को अत्यंत प्रिय विल्व वृक्ष को मैं समर्पित करती हूँ। यह विल्व पत्र भगवान शिव को समर्पित है। दर्शनम विल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम विल्वपत्रम शिवार्पणम्। अर्थात विल्व वृक्ष का दर्शन और उसके स्पर्श समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा शिवापराध का संहार करने वाले हैं। यह विल्व पत्र भगवान शिव को समर्पित है। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय विल्व पत्रम शिवार्पणम्। अर्थात विल्व पत्र का मूल भाग ब्रह्म रूप मध्य भाग विष्णु रूप एवं अग्र भाग शिव रूप है। ऐसा विल्व पत्र भगवान शिव को समर्पित है। विल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ सर्व पापो विनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। अर्थात जो भगवान शिव के समीप इस पुण्य प्रदान करने वाले विल्वाष्टक का पाठ करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। इति विल्वाष्टकम् सम्पूर्णम्।